कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन चीजों जो है समझने वाले हैं अबाउट दी कीवर्ड। सो पहला हम समझेंगे कि कीवर्ड होते क्या है, और दूसरा हम ये समझेंगे कीवर्ड रिसर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हम यहाँ पे समझेंगे कि टाइप ऑफ कीवर्ड्स यानी कि कितनी तरह के कीवर्ड्स होते हैं जिसकी हमें रिसर्च करनी होती है। अगर आप भी एसईओ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए हमारे साथ में, जहां पे हम बेसिक से एडवांस तक जो है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को लेके चल रहे हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझते हैं वीडियो में आगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड होते क्या हैं। सो बेसिकली कीवर्ड जो है ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली आपके जितने भी सर्च इंजिन्स हैं उनको ये बताते हैं कि हमारे उस वेबसाइट के पेज के ऊपर में या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर में किस तरह का कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, कोई भी चीज हम अगर खरीदना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हम आज की डेट में डायरेक्टली दुकान पे जाके उसके बारे में चेक नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं या किसी भी सर्च इंजिन का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जाकर हम लिखते हैं वॉशिंग मशीन। लाइक उसके बाद में कोई भी कंपनी ले सकते हो, लाइक सैमसंग की वॉशिंग मशीन, एलजी की वॉशिंग मशीन। तो बेसिकली हम जो है उसमें पूरा रिसर्च करते हैं। तो ये जो हम डाल रहे हैं वर्ड, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, वही कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर से फॉर एग्जांपल हम अपने ही डिजिटल मार्केटिंग के करियर की बात करें, तो अगर मान लीजिए किसी को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो ऐसे में क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, तो लाइक अगर मैं सर्च करूंगा गूगल पे जाके लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो ये जो है मेरे लिए कीवर्ड्स हो गए। तो इसलिए अगर कोई भी इन वर्ड्स को सर्च करे तो वो मेरी वेबसाइट पे आए, तो इसके लिए मुझे ये जो कीवर्ड्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे डालने पड़ेंगे। इसीलिए यहां पर जो है कीवर्ड हमारे लिए एक ऐसा स्पेसिफिक कह सकते हो फ्रेज है या एक ऐसा स्पेसिफिक फीचर है जो बेसिकली आपके हर सर्च इंजन से हमारी वेबसाइट पे हमारे पर्टिकुलर पेज के ऊपर में जो ट्रैफिक है उसको रीडायरेक्ट या डाइवर्ट करके लेकर आने के लिए हेल्प करता है। अभी सेकंड बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कि कीवर्ड जो है वो क्या होते हैं, तो मैं कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो व्हाई देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिसर्च, रिसर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पे फिर वही चीज एग्जांपल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ही लेके। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये एक बहुत बड़ा जो कीवर्ड है, राइट? कैसे बड़ा है? सो बेसिकली अब यहां पर अगर आप मेरे कंटिन्यूस कोर्स के साथ में चले आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। तो यहां पर कीवर्ड रिसर्च करते वक्त भी वही सब चीजें जो है आपको काम में आएंगी। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप आसानी से वेबसाइट को, किसी भी प्रोजेक्ट को रैंक करवा सकते हैं। सिमिलर चीज आपको कीवर्ड के अंदर वही रिक्वायरमेंट आपको हेल्प करेगी कि किस तरह के कीवर्ड्स को आपको रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जांपल मैं मेरे यहां पर जोधपुर के अंदर एक फ्री, या फिर मैं कह सकता हूं मैं जोधपुर के अंदर ऑफलाइन क्लासेस जो है वो रन करता हूं डिजिटल मार्केटिंग की। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो वेब कोर्सेज हैं वह ऑफलाइन रन कर रहा हूं, तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेरे कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए जो सिर्फ और जोधपुर के जितने भी ट्रैफिक है या जो लोग यहां पे रहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं यहां पर, उनको मैं को टारगेट करना है, तो मेरे कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंट होंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी इन जोधपुर, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो यू कैन सी चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए रिसर्च जो है वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर अभी तक जो है काम नहीं किया गया है, जिसको लोग उसके ऊपर आ भी रहे हैं, और मेरा जो है पर्टिकुलर उस कीवर्ड के ऊपर में अगर मैं रैंक कर जाता हूं, तो डेफिनेटली मेरे पास में एक काफी अच्छा ट्रैफिक वो आने लग जाएगा और बहुत ही जल्द जो है वो मेरा पेज, मेरा वेबसाइट जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगी। तो इसलिए यहां पे जो कीवर्ड रिसर्च करने का जो काम है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, जैसे हम आगे चल के प्रैक्टिकल करेंगे आपको और डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। चलिए अभी तीसरा जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, द टाइप ऑफ कीवर्ड्स। सो बेसिकली अगर आप काम कर रहे हैं एसईओ के अंदर में, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको इनके दोनों टाइप के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक होते हैं आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की बात करें तो से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकता है। लॉन्ग टेल की बात करें लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो ये एक लॉन्ग टेल के अंदर जो है कंसीडर किया जा सकता है। तो बेसिकली शॉर्ट कीवर्ड जो है उसके ऊपर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, लेकिन उसमें रैंक करवाना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट पे ना जाकर अगर उसके अंदर चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं तो हम सेकेंड ऑप्शन लिखते हैं जिसमें आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपकी जो ट्रैफिक है और ज्यादा फिल्टर हो जाती है, जिससे आपको रैंक करने में काफी इजी हो जाता है। तो डोंट वरी, इनके बारे में और डिटेल के अंदर जो है चीजें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको एवरीथिंग अबाउट द कीवर्ड वह मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये सब आपकी फंडामेंटल्स हैं, आपका बेसिक नॉलेज है, सो दैट कि जब हम प्रैक्टिकल करें तो चीजें आपकी बहुत ही क्लियर रहे। तो बने रहे हमारे कोर्स के साथ में अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। सो गाइज, मैं मिलता हूं आपको एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।